ब्रह्मचारी रविंद्री आत्मन द्वारा लिखित लघु बोध कथाएं, कथा नंबर 2, सल्लेखना महोत्सव। आत्मार्थी विद्वान प्रशांत जैन अपने नाम के ही अनुरूप धीर, गंभीर एवं शांत स्वभावी थे। प्रौढ़ अवस्था में ही व्यापार आदि से निवृत्त हो परिवार से निरपेक्ष घर में रहते हुए भी गृह त्यागी की भांति प्रदर्शन और ख्याति की वांछा से दूर निरंतर तत्व अभ्यास में लगे रहते थे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्मचिंतन एवं वैराग्य पाठ आदि करते शौच स्नान से निवृत्त होने के पश्चात शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा स्वाध्याय आदि करते वात्सल्य पूर्वक साधर्मी जनों को भोजन कराते। यह उनका दैनिक नियम ही था। कोई अतिथि ना मिलने पर वे स्थानीय गोष्ठी के ही किसी साधर्मी को ही भोजन के लिए बुला लाते। अकेले भोजन करना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था, भोजन में भी सादगी और सहजता, न कोई प्रदर्शन न कोई विशेष औपचारिकता। दीन दुखियों का भी यथा योग्य गुप्त रीति से सहयोग करना उनकी प्रवृत्ति ही बन गई थी। मूल गुणों के नियम के साथ ही वे अणुव्रतों का भी यथाशक्ति पालन करते थे। ब्रह्मचर्य तो उन्होंने युवावस्था में ही ले लिया था। बाजारू खाद्य एवं विलासता की सामग्री के लिए तो उनके घर में ही कोई स्थान नहीं था। उनकी धर्मपत्नी समता, बालक विनीत एवं पुत्रवधु सुनीता भी उनके अभिन्न सहयोगी थे। पर्व के दिनों में एकासन आदि सहज ही होते। उनका कक्ष सबसे अलग एकांत में था, जिसके समीप उनके आगंतुक सादर्मी भी प्रायः रुके ही रहते थे। भेद ज्ञान ही उनका जीवन था और वैराग्य ही श्रृंगार। किसी प्रकार की सांसारिक लालसा भी उनके मन में ना आती। अब तो एक ही भावना थी, संयम पूर्वक समाधि हो, उसके लिए समस्त लोक व्यवहारों से भी निवृत्त हो आराधना में सावधान रहते। एक दिन जिन मंदिर से लौटकर भोजन करके बैठे थे, उन्हें शरीर में कुछ अशक्तता विशेष लगी। वैसे उनकी इंद्रियां सजग थीं, फिर भी उन्होंने एक वसीयत लिखी जिसमें आवश्यक वस्त्रादि रखकर समस्त परिग्रह का त्याग करते हुए अपना व्यक्तिगत धन एवं वह मंदिर जी के समीप वाला स्वयं का आवासीय स्थान भी धार्मिक एवं लोकोपकारी कार्यों में समर्पित ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ साधर्मी जनों द्वारा संचालित ट्रस्ट को सौंपते हुए यह निर्देश दिया कि मेरे द्वारा जिन कार्यों एवं संस्थाओं को जो सहायता दी जा रही है वह निर्विघ्न रूप से चलती रहे। वे अपने परिजनों और सेवक आदि को तो पहले ही योग्य संपत्ति आदि दे चुके थे, फिर बाहर से भी सभी साधर्मी जनों को निमंत्रण देकर जिन मंदिर में सादगी पूर्वक विधान कराया और उसी समय साधर्मी जनों की उपस्थिति में ही सल्लेखना धारण कर ली। अब वे प्रायः मौन रहते, स्वयं उपयोग को साधते रहते, कोई ना कोई साधर्मी उनके समीप रहता। तत्व चर्चा के अतिरिक्त अब वहाँ दूसरी चर्चा निषिद्ध थी। पूजा, स्वाध्याय, सामायिक, ध्यान आदि भली प्रकार चल रहे थे। निर्यापक के रूप में तत्व अभ्यासी साधर्मी जिनेन्द्र जी को समीप रखा था। भोजन आदि सीमित होता जा रहा था। किसी प्रकार की विशेष पीड़ा न उनके शरीर में थी न मन में। प्रसन्न, शांत एवं गंभीर मुद्रा उनकी अंतरंग निष्प्रहता एवं पवित्रता को सहज ही प्रकट कर रही थी। विशुद्धता के बल से अपनी संयोगी पर्याय का अंतकाल अति निकट भासित होते ही उन्होंने सभी से पुनः क्षमा याचना की। वह क्षमा भाव धारण किया और निर्ग्रंथ गुरु का उस समय सुयोग न मिलने के कारण पंच परमेष्ठी भगवंतों की साक्षी पूर्वक जिन प्रतिमा के सन्मुख समस्त परिग्रह का त्याग करके
केश लौंच करते हुए निर्ग्रंथ दीक्षा ग्रहण की। निर्दोष वृत्ति पूर्वक पहले से ही शुद्ध भोजन करने वाले साधर्मी श्रावक के यहाँ विधि पूर्वक थोड़ा जल लेकर उन्होंने आजीवन उपवास का नियम ले लिया। प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। यह मंगल समाचार वायुवेग से देश भर में पहुंच रहा था। दूर दूर से साधर्मी जन इस मंगलमयी दृश्य को देखने आ रहे थे और तीसरे दिन मध्याह्न 1 बजे वे देह से प्रस्थान कर स्वर्गवासी हुए। साधर्मी जनों ने पूर्व से ही तैयारी कर ली थी। अतिशीघ्र निकट उद्यान में चंदन नारियल आदि की चिता पर उनका भौतिक शरीर रखा गया और मंगलाचरण पूर्वक अग्नि में देह का विसर्जन हुआ। भौतिक शरीर तो विलीन हो गया, परंतु संयम की सुगंध दिशाओं से आज भी आ रही है। यशस शरीर आज भी अमर है और भव्य जीवों को निरंतर मोक्ष मार्ग में प्रेरित कर रहा है। पंचम काल की विषम परिस्थितियों में हीन सहनन आदि होने पर भी तत्वज्ञान और वैराग्य के बल से हम भी जीवन सफल करें, यही भावना हम भी भाते हैं।